सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448। पानी के न बरसने से किसान परेशान, सूखने लगी फसलें, नहीं मिल रही समय पर बिजली। मयाना में पिछले लगभग 30 से 40 दिन से क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण किसान बेहद परेशान हैं। साथ ही उन्हें बिजली की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। बिजली प्रतिदिन घंटों घंटों तक काटी जा रही है, चाहे वह दिन हो या रात, जिसके कारण ग्रामीण जनों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मयाना के साथ साथ प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई, जिसके कारण नदी तालाब एवं छोटे छोटे पोखरों में भी पानी नहीं हो सका। थोड़ा बहुत भरा था पानी, वह भी बारिश के मौसम में तेज धूप पड़ने के कारण सूख गया। आपको बताते चले कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बारिश नाम मात्र की हुई। किसान ने अपने खेतों में फसल बोई थी, किंतु बारिश न होने के कारण वह पूर्ण रूप से बन नहीं पाई। वह थोड़ी बहुत बनी, वह भी सूख रही है। कई जगह तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, किसान अपने खेत में लगी हुई फसल पर पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। मयाना के खेतों पर जाकर देखा तो पता चला कि जब किसानों से इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस वर्ष फसलों में पूर्ण रूप से नुकसान है, यदि एक दो दिन में पानी नहीं बरसा तो फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगी। आपको बता दें कि किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा सिर्फ आत्महत्या करने के अलावा। कई किसानों ने शासन प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए एवं उनकी आर्थिक मदद की जाए, साथ ही बिजली संबंधी समस्या को भी जल्द हल करें, क्योंकि बिजली समय पर नहीं मिलने के कारण लोग रात्रि में सो नहीं पा रहे हैं, छात्र समय पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। संवाददाता मयाना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। देख सकते हो बिल्कुल मक्का का जो भुट्टा होता है वो तो लगना पड़ा रहा है, पर इसमें दाना नहीं पड़ा है। किसान पूरी तरीके से परेशान है। आपको ये लगभग कम से कम 5 हेक्टर में का हुई हुई है, परंतु आज तक पानी की स्थिति बहुत ही दयनीय रही है। और इस ये आप देख सकते हो जमीन पर, जमीन इतनी सूख चुकी है कि जमीन में दरारें आ रही हैं। अगर पानी नहीं बरसा तो ये फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगी और किसान के पास कुछ नहीं बचेगा, यही उसकी सब कुछ है। ये जमीन में आप पूरी देख सकते हो, पूरे में पूर्ण रूप से ये जमीन बिना पानी के बहुत ही किसान की हालत खराब है। आप देख सकते हो जमीन को, देख सकते हैं आप पानी न बरसने किसान की फसल भी एक यहाँ एक एक दूसरे के लगभग दो दो तीन तीन हाथ के गैप पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और मिट्टी बिल्कुल पूर्ण रूप से सूखी हुई है। तेज धूप के कारण किसानों की फसलें भी मर जा रही हैं। आप पूरे में खेत में देख सकें तो पानी न बरसने के कारण मक्का के अलावा अब हम दूसरे खेत में आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि ये उड़द की फसल है, वर्षा न होने के कारण इसमें उड़द आपको केवल पौधा ही पौधा दिख रहा है, इसमें किसी प्रकार से कोई एक फली नहीं दिख रही और पानी के न बरसने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देख सकते हैं आप नीचे वीडियो में देख सकते हैं कि जमीन पूर्ण रूप से सूखी है, इसका पानी की इतनी कम मात्रा है कि आप देख सकते हो पानी के न बरसने के कारण ये फसलों के पौधे देखें आप, केवल इनकी लंबाई अगर नाप ली जाए तो 6 इंची से ज़्यादा नहीं बढ़े। क्या कारण रहा? पानी का न बरसना। अब पानी नहीं बरस रहा, इसके लिए ये फसल पूर्ण रूप से पक नहीं पा रही, बढ़ नहीं पा रही है और किसान इस को स्थिति को देखते हुए बहुत ही एक दयनीय स्थिति हुई है। अभी हमने आपका खेत पे देखा तो मक्का की फसल भी खराब है, उर्द की फसल भी खराब है और पानी कब से क्या नहीं बरसा, इस विषय आप क्या कहेंगे? पानी 2 महीने से पानी नहीं बरसा, फसलें सूख रही हैं, जमीन में बिरंगा फट गई, दरारें पड़ गई हैं और मक्का की भी फसल सूख रही है, मूंग में भी फरी सूख गई, सब फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आप शासन प्रशासन क्या चाहते हो? शासन या तो मुआवजा दिया जाए, सूखा घोषित किया जाए,
नहीं तो बात आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प हमारे सामने नहीं दिख रहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह राजपूत है। कहाँ किसान हो आप? म्याना के। धन्यवाद सर। आपके क्षेत्र में बिजली की क्या स्थिति है? लाइट बहुत परेशान करती है, रात को चली जाती है, चार चार घंटे नहीं आती। ऐसी भीषण गर्मी में बच्चों का बालोचन वो बीमारी अलग फैल रही, मच्छरों के कारण लाइट की असुविधा है, बहुत कीड़ा कांटे का डर रहता है बरसात में। दुनिया भर का दिन में भी चार चार घंटे नहीं आती लाइट। धन्यवाद। देखिए साहब, पानी ना गिरने के कारण मक्का की फसल सूख सूख कर गिर रही है, ये भुट्टे टूट रहे हैं, ये मक्का गिर रही है, पूरी पूरी तौर से नुकसान हो रहा है। निकले आई है लेकिन इसमें एक भी दाना नहीं पड़ा। अगर पानी नहीं बरसा तो मक्का तो क्या बीज भी नहीं निकलेगा। आपके क्षेत्र में पानी की क्या स्थिति है? भैया जी, पानी की स्थिति है कि किसान आज की कंडीशन है, पूरी फसल को जिस हिसाब उम्मीद से देख रहा था, पानी के अभाव में फसल बिल्कुल जो है 20% पर खड़ी है। समय सोयाबीन की दाने में वजन नहीं है, मक्का की भुटिया है लेकिन दाने में दम नहीं है। किसान इस समय इस स्थिति में खड़ा है कि वो जो अभी उम्मीद लगाया था अगली फसल के लिए, उसको भी अभी उम्मीद वो गिरती नज़र आ रही है। और ऐसे में अगर किसान को अगर ये पानी अभी नहीं मिला तो बस एक ही उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसकी मदद कर सकती है, वरना किसान तो सीधा सीधा मर जाएगा बेचारा। आपके क्षेत्र में इस समय बिजली की क्या पोजीशन है? बिजली की पोजीशन ये है कि बिजली तो रात को तो जाती ही जाती है, रात को घंटे दो घंटे चली जाती, जिसमें हमारे जो लोग मजदूर वर्ग के लोग या दिन भर जो काम करते हैं वो दिन भर काम करते हैं, रात भर जागते हैं, तो रात भर जागेंगे तो दिन में काम कैसे करेंगे? बाल बच्चे सो नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो रात को बिजली बार बार जाती है और दिन में भी कई बार जाती, मुश्किल से 5-7-8 घंटे बिजली आती जाती है और ज़्यादा बिजली की अच्छी सप्लाई नहीं है। सरकार से निवेदन करते हैं कि बिजली की सप्लाई अच्छी मिले, ताकि वैसे भी माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो ये है कि थोड़ा किसानों की तरफ भी देखें और थोड़ा कस्बाई क्षेत्रों में भी देखें। जिले से बाहर में जितने भी लोग रहते हैं कस्बाई क्षेत्रों में या नगर पंचायत क्षेत्रों में, उनके यहाँ बिजली की बड़ी समस्या रहती है। शहर में तो मिल जाती, जिले में तो मिल जाती सबको, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पाती, इसकी थोड़ी सी मदद चाहते हैं। आपका पूरा पर्ची क्या था? मैं राकेश पांडे हूँ, मेरा नाम राकेश पांडे है, मैं ग्राम म्याना का नागरिक हूँ और यहाँ का किसान भी हूँ मैं। धन्यवाद जी। क्या हुआ है, आप पानी कब से नहीं बरसा? 2 महीना हुआ है। और फसल कैसी है इस बार? फसल में क्या है, ऊपर सूख रही है। अच्छा, आप शासन से क्या चाहते हो, कुछ उम्मीद है? आपका मुआवजा फावजा मिल जाए तो मिल जाए, और नहीं तो फिर क्या स्थिति है? फिर क्या स्थिति है आगे? आगे मर भी की है और का है। आपका नाम क्या है? जयराम। कहाँ रहते हो आप? म्याना। धन्यवाद। जन्म से लेकर मृत्यु तक सीख देने वाला हर व्यक्ति शिक्षक कोरोना के कारण 2 साल बाद उत्कृष्ट विद्यालय में आज धूमधाम से मना शिक्षक दिवस। शिक्षक केवल वह नहीं होते जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी जो कुछ भी सीखता है और जो हमें सिखा रहा है होता है, वह हर व्यक्ति शिक्षक होता है। इसलिए जिन्होंने हमें जो भी अच्छा सिखाया है, इस दिन उन्हें ज़रूर नमन करना चाहिए। आज शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये सभी जानते हैं कि, लेकिन पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण शिक्षक दिवस को धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए इस बार शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। ये बात उत्कृष्ट विद्यालय में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य आशिफ खान ने कही। इस अवसर पर शिक्षकों का सम्मान करने के साथ बच्चों ने उन्हें अपने हाथों से बनाए उपहार दिए। ये प्रतिवर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण लॉकडाउन में स्कूल बंद रहे, बच्चे सांस्कृतिक रूप से कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो इस बार विद्यार्थियों की मांग थी कि शिक्षक दिवस उत्साह के साथ मनाया जाए। तो हमने प्रत्येक कक्षा में ये किया कि वे अपने कक्ष को सुसज्जित करेंगे और उसके आधार पर जो कक्ष सबसे ज़्यादा सुसज्जित होगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तैयार किए और एक बेहतर कार्यक्रम उन्होंने आज संचालित किया। इसके लिए हम अपने उत्कृष्ट विद्यालय के समस्त शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हैं और सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।
गुना जिले में कम बारिश होने से धान की फसल को नुकसान हुआ है। गुना जिले के किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में इस बार धान की फसल खेतों में लगाई थी, लेकिन अच्छी बारिश न होने से धान की फसल अब खेतों में ही पीली पड़कर सूखने लगी। किसान चिंतित हैं, किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। गुना जिले के बमौरी इलाके में छागर, परवाहा, मांगरोजा, बीसा, खेड़ी, नोनेरा सहित कई गाँव में किसानों द्वारा खेतों में फसल की हकाई शुरू कर दिया है। बमौरी इलाके के मनेरा गांव के बनवारी पुत्र दामोदर ने बताया कि 20 बीघा जमीन में धान की फसल लगाई थी। बारिश न होने से खेतों में खड़ी धान की फसल पीली पड़कर सूखने लगी है। धान की फसल में खाद बीज सहित हकाई जुताई मिलकर काफी लागत लगाई गई थी, लेकिन बारिश ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। अन्नदाता एक बार फिर सूखे की मार झेलने को मजबूर है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से भी मुआवजा देने की मांग की है। ग्राम लोड़े राम है, धान की फसल में आँखते हुए किसान। क्यों भैया, क्यों अखबार है इसको? नहीं तो पैसे पानी पानी की समस्या के कारण बिल्कुल है ना, और पूरे गांव की फसल ऐसी है जी, स्थिति से हकेगी सबकी है ना। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से सनातनियों में रोष व्याप्त है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। आज गुना में राष्ट्रवादी संघ द्वारा विरोध जताया गया। राष्ट्रवादी संघ ने कहा कि हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित सनातन उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक मंच से तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को अपमानित करते हुए सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी से करते हुए समूचे सनातन हिंदू धर्म को जड़ से समाप्त करने की बात कही, जिससे भारत के असंख्य सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं और आक्रोश व्याप्त है। इसी तारतम्य में राष्ट्रवादी संघ गुना की ओर से आज स्थानीय हनुमान चौराहे पर पुतला दहन का विरोध जताया, ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर राष्ट्रवादी संघ से मनोज सिंह राठौर, कमल अस्थाना, जय प्रताप सिंह सिसोदिया, रविन्द्र सिंह रघुवंशी, दीपक कुशवाहा, आयुष कुशवाहा, धर्मेंद्र साहू, संजीव बघेल, बलवंत गहलोत, राज धुरिया, सोनू केवट, राजेंद्र हिंदू, अवधेश शर्मा, ऋषि चोपड़ा, रजनीश कश्यप, देवेंद्र साहू, जीत किरार, मुकेश प्रजापति, अंकित सेन, दीपक साहू, दुर्गेश साहू, दिनेश साहू, मनीष रजक, राहुल नदैया सहित बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रवादी संघ द्वारा हनुमान चौराहे पर उदयनिधि स्टालिन का पुतला जलाया जा रहा है, तो क्या घटना है भाई साहब पूरी? जैसा कि हम सभी जानते हैं, दो दिवस से बराबर ये भारत में, संपूर्ण भारत में सुर्खियों का विषय बना हुआ है कि सनातन को समाप्त करने की खुलेआम एक आयोजन, एक बृहद आयोजन करने के बाद सनातन को समाप्त करने की घोषणा की जाती है और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से सनातन धर्म जैसे पावन धर्म का कंपेयर किया जाता है, और जो कि एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ऐसी बात कर रहे हैं, क्या इतना सहिष्णु हिंदुओं की सनातनियों की भावनाओं को कोई भी आकर रौन देगा? बराबर ये एक प्रचलन चल रहा है भारत में कि सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों को बराबर आहत किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सार्वजनिक मंच से सनातन धर्म को समाप्त करने का जो एक आवाहन किया गया है और सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की गई है कि इसको जड़ से समाप्त किया जाए, क्या ये एक सहिष्णु हिंदुओं के लिए कुठाराघात नहीं है? इसके लिए हम मांग करते हैं कि ऐसे जघन्य अपराध 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को, उनके सम्मान को जो चोट पहुंचाई गई है, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपमानित किया गया है, इसके लिए समूचा हिंदू समुदाय, सनातन साधु संत सभी लोग आक्रोशित हैं। ऐसी स्थिति में स्वतः संज्ञान लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर उचित कार्रवाई करे, और मैं आज राष्ट्रवादी संघ गुना की ओर से माननीय जिलाधीश महोदय गुना को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें कि आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने। राष्ट्रवादी संघ और समूचा हिंदू समाज आक्रोशित है और आज हनुमान चौराहे पर उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन कर कलेक्टर जाकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मनोज सिंह राठौड़, राष्ट्रवादी संघ से। बुल्लनपुरा चौराहे पर बस में तोड़फोड़, शहर में गंभीर वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक घटित हो रही हैं। घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही हैं। ताजा मामला बीती रात का सामने आया है।
आपको बता दें कि जब रिहायशी इलाके में भुल्लनपुरा चौराहे पर खड़ी बस में अज्ञात बदमाशों ने पथराव करते हुए तोड़फोड़ कर दी। बस में बैठी सवारियों की जान जोखिम में पड़ गई। बदमाश पथराव कर भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे के आसपास बस क्रमांक KA02AG3811 गुना भुल्लनपुरा चौराहे से आरोन जा रही थी। इस दौरान ये वारदात घटित हुई। सूत्रों के मुताबिक भुल्लनपुरा चौराहे पर खड़े दो लोगों ने बस ड्राइवर से राघुगढ़ जाने को बोला। इस पर ड्राइवर ने बस के आरोन जाने की बात कही। उन लोगों ने फिर रुठियाए जाने का बोला। ड्राइवर के मना करने पर बस पर पथराव कर दिया, जिससे बस के शीशे फूट गए। फ्रंट सहित विंडो के शीशे छार-छार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये गाड़ी में कैसे तोड़फोड़ हुई, कौन लोगों ने करी? क्या हो? गाड़ी किन लोगों ने तोड़फोड़ करी? पता नहीं कौन है। कितने लोग थे? दो लोग। क्या हुआ था? क्या कारण से तोड़फोड़ करी? कारण क्या था? गाड़ी फोड़ने के पीछे कारण क्या है? गाड़ी क्यों फोड़ी, क्या कारण है? कोई विवाद हुआ आपका? विवाद ये हुआ कि कहीं जाएगी गाड़ी मेरी आरुण जाएगी। हाँ मेरी आरुण तो आरुण जाएगी। हाँ राघोड़ जाना है। हाँ तो राघोड़ चले जा रही भैया मैंने कहीं। हाँ तो कई बोल हमें जाना का रोटी आई। हाँ रोटी आई कहाँ पर जाऊँगी? आरुण जाएगी जाती गाड़ी तो हमें लड़ पर ले जाए। और हमें ले जाएगी तो कुतिया आती है कुतिया। हाँ तो बाप इसको बेटा खबर रहा तुम्हें। हाँ उतने में आने का मैंने क्यों इधर यू जाओ पर। हाँ उनको आप जानते हो? नहीं जानता। कहाँ के हैं, कोई जानकारी? पता नहीं कहाँ के। ये गाड़ी आरोन से कितने बजे आई थी? आरोन से साढ़े पाँच चली। यहाँ गुना कितने बजे पहुँची? साढ़े छः आ रही थी। तो भाई यहाँ कितने बजे गाड़ी करी आपने? साढ़े दस वापस जाती पौने ग्यारह। उसी समय की घटना है? उसी समय की घटना है। आप जानते हो किसी को? नहीं जानता। किसी को जानते हो क्या? आप इसी गाड़ी के ड्राइवर हो ना? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पता नहीं कौन है। अरे आप इसी गाड़ी के ड्राइवर हो ना? आपका क्या नाम बताया आपने? कौन सी कंपनी की गाड़ी है? है दुर्गेशनंदी की। ठीक है। मयाना में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। आज मयाना में शिक्षक दिवस को सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि आज 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश एवं देश में प्रत्येक शासकीय और अशासकीय विद्यालय में शिक्षक दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस क्रम में मयाना के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में शिक्षक दिवस को शिक्षक एवं बच्चों के साथ विद्यालय में मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। सर्वप्रथम विद्यालयों में प्राचार्य महोदय के द्वारा सरस्वती माता, भारत माता एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर माले अर्पण कर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज का जो कार्यक्रम राय से आपके कहेंगे? आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। मैं अपने सभी शिक्षक भाइयों को, ग्रामवासियों को, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हृदय की गहराइयों से प्रेषित करता हूं। जो ये सरकार द्वारा एक आदेश निकाला है, सरकारी स्कूल में स्कूटी प्रदान हो रही है और प्राइवेट नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार के द्वारा ये आदेश जो दिया गया है वह भेदभावपूर्ण नीति के अंतर्गत आता है और यह बिल्कुल भी अच्छे नहीं है कि शासकीय विद्यालय के टॉपर छात्रों को स्कूटी दी गई, लेकिन अशासकीय विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं की गई। एवं मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो पक्षपातपूर्ण रवैया शासकीय और अशासकीय स्कूलों के बीच में अपनाया है, वो एक 5% नीट की परीक्षा MBBS में जो 5% आरक्षण दिया है वो भी सही नहीं है, वो भी अनैतिक है। जो शासकीय विद्यालयों के लिए जो दिया गया है वही आदेश अशासकीय विद्यालयों के लिए भी दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह नेतृत्वपूर्ण बात रहती है। मैं हमारे मुखिया के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। यह रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने यह दोहा लिखा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से मुख के द्वारा भोजन बनाया जाता है परंतु मुख सारे शरीर के अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से प्रदेश के मुखिया को भी, चाहे वो शासकीय विद्यालय हो चाहे अशासकीय विद्यालय हो, सभी को समान सुविधाएं उपलब्ध
कराना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैं इस नीति की आलोचना करता हूँ, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपका परिचय? राजीव भार्गव, संचालक श्री जर्मन पब्लिक आर्ट्स एकेडमी स्कूल। मुर्दाबाद लिखा पंपलेट लेकर जनसुनवाई में पहुंचा युवक। पिछले दो साल से आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने की लगातार शिकायतें कर रहा युवक आज परेशान होकर जनसुनवाई में मध्य प्रदेश शासन मुर्दाबाद और जिला प्रशासन मुर्दाबाद लिखा पंपलेट विरोध प्रदर्शित करते हुए पहुंचा है। इस दौरान युवक ने एक बार फिर जनसुनवाई में ज्ञापन दिया, हालांकि अब की बार मध्य प्रदेश और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए ज्ञापन दिया। शहर के वार्ड नंबर 19 कुशमौदा में रहने वाले दिनेश लोधा ने बताया कि दो वर्षों से शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत कर रहा हूं। मेरे घर के सामने पड़ोसी ने रास्ते पर कब्जा कर लिया है और केवल 3 फीट का रास्ता छोड़ा है। इसकी शिकायत की गई है, जिसके आधार पर एक फाइल प्रशासन ने बनाई, जिसका नंबर 3067 79 था, जो 6 जून 2023 को तहसील कार्यालय से SDM ऑफिस भेजी गई थी, जो आज तक नहीं पहुंची। इस फाइल में अतिक्रमणकारियों द्वारा किस किस रूप में अतिक्रमण किया गया वह स्पष्ट दर्शाया गया था और मेरे मकान का कुछ हिस्सा भी अतिक्रमण में पाया गया था, जबकि मैंने निष्पक्ष कार्यवाही का कहा था, लेकिन उचित कार्यवाही नहीं हुई। अधिकारियों ने रिश्वत ली और मेरी फाइल गुम कर दी। वर्तमान में वह फाइल किसी भी दफ्तर में नहीं है, ना ही मामले में कोई कार्यवाही हो रही है। सूचना अधिकारी में भी जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे मैं कोर्ट में मामले की अर्जी लगा सकूं। मैं बहुत परेशान हूं, युवक ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग के लिए प्रदर्शन किया। मेरा नाम है दिनेश लोधा। कहाँ से आए? मैं यहाँ पुना नगर तहसील के कुशमौदा का निवासी हूँ। बताएं क्या समस्या लेके आए? समस्या यह है कि मेरे घर के सामने बीते कुछ वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है बलपूर्वक। जब किया था तब भी उन्होंने पुलिस वालों के सहयोग से किया था। हमने इसकी शिकायत में लगातार दो वर्षों से इसी नगर तहसील में और जिला कलेक्टर ADM सब जगह कर चुका हूँ। मेरी शिकायत के आधार पर एक फाइल बनाई गई थी, जो कि कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार बनाई गई थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दर्शाया था कि ये अवैध अतिक्रमण है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैं सुनिश्चित हो गया था मैंने कि अब कुछ कार्रवाई हो जाएगी, परंतु उसके कुछ दिनों बाद जब मैं तहसील में पहुँचा तो मुझे पता चला कि मेरी जो फाइल थी वो फाइल गायब हो चुकी है। तहसील से पता किया तो उन्होंने बोला कि हमने फाइल भेज दी है SDM ऑफिस में। वहाँ जाके पता किया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई फाइल नहीं पहुँची यहाँ पर। फिर मैंने कलेक्टर ऑफिस में जाकर देखा तो वहाँ भी मेरी फाइल नहीं थी। फिर से मैंने कलेक्टर साहब के पास फिर आवेदन दिया, तब भी मेरी फाइल नहीं मिली। फिर मैंने उनसे फाइल निकलवाने के लिए सूचना का अधिकार 2005 का इस्तेमाल किया, उसको भी आज 1 महीने से अधिक समय हो गया है, मेरी फाइल वो लोग नहीं दे रहे हैं। मेरी फाइल गायब हो गई है, अधिकारियों ने रिश्वत ले ली है, अब वो किसी भी दफ्तर में मेरी फाइल वर्तमान में मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूं कि अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जल्द से जल्द पता करके उन पर कार्रवाई की जाए और मेरी फाइल मुझे दी जाए, जिससे कि मैं कोर्ट में अर्जी लगा सकूँ और समाधान के लिए कुछ याचिका दायर कर सकूँ। नवनियुक्त शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, जनसुनवाई में पहुंचे। नवनियुक्त शिक्षकों को 5 माह से वेतन नहीं एवं IFMS पोर्टल पर वैकेंसी नहीं होने के कारण ट्रेजरी कोड नहीं बनने की समस्या के चलते आज जनसुनवाई में आवेदन दिया। चांचोड़ा ब्लॉक से शाकिर खान भूमला खेड़ी, रविपाल दांत, पवन कुमार बकान्या, गौरव सिंह जैन कमलपुरा, दीवान सिंह खेड़ापुरा, पहलवान सिंह खजूरिया और सीएम राइस बालक नवीन शाला दुबे कॉलोनी से विकेस नागर ने बताया कि उन्हें नियुक्ति दिनांक के बाद आज तक वेतन नहीं मिला है, ना ही ट्रेजरी कोड बना है। BEO चांचोड़ा से मामले में बात की तो उन्होंने IFMS पोर्टल पर जगह का नहीं होना बताया है। शिकायतकर्ताओं ने ऑनलाइन की जगह फिलहाल स्टाफ पैक के माध्यम से वेतन मांगा है। नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर खान है सर। कहाँ से आए? हम चांचोड़ा विकास खंड से आए। बताएं क्या समस्या लेके आए? हमारी समस्या ये है कि हमें ज्वाइन हुए 5 मंथ से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक हमें वेतन नहीं मिला सर। प्राथमिक शिक्षक है, सभी परेशान है और मेरे साथी जो सभी अन्य जिलों से हैं और आर्थिक तंगी से बहुत परेशान है सर। किस चीज में ज्वाइनिंग करी थी आप? हमने संविदा शिक्षक वर्ग 3 में करी थी सर, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में। तो ज्वाइनिंग हुई थी हमारी DPI में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और ट्रेजरी कोड भी नहीं बने हैं सर। नहीं बनने का कारण ये बताया गया है कि IFMS पोर्टल पे जगह शो नहीं हो रही है,
इस वजह से नहीं बन रहा है। तो सर उसमें हमारी क्या गलती है, विभाग के अधिकारियों को लिख करके देना चाहिए और अपनी मांग रखना चाहिए कि हमारे विकासखंड में और ज़िले में ये समस्या चल रही है। सर सर हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण शीघ्र अतिशीघ्र हो। हजारों रुपए की आ रही बिजली बिल। इधर भगत सिंह कॉलोनी के पास मुरली विहार कॉलोनी के लोगों ने जनसुनवाई में बताया है कि कॉलोनाइजर ट्रांसफार्मर नहीं रखवा रहे हैं, जिससे अस्थाई बिजली कनेक्शनों के बिजली बिल हजारों रुपए में आ रहे हैं। हरवीर सिंह रघुवंशी ने बताया कि उनका बिल 19,447 रुपए आया है। इसी प्रकार बबलेश साहू का 34,475 रुपए आया है। इसी तरह बिल कई महीने से आ रहे हैं। लोगों ने अपनी समस्या जनसुनवाई में बताई। आपका रानू रघुवंशी, कहाँ से आए? भगत सिंह कॉलोनी में रहता हूँ, मुरली विहार कॉलोनी काटी है, भानु सिसोदिया। बता क्या समस्या लेके आए? एक एक मकान का बिल आ रहा है अपना 20,000 रुपये, 30-35 हर महीने ऐसा ही आता है। स्थाई कनेक्शन हो नहीं रहा है, कॉलोनी कोई सुनवाई कर नहीं रहा है। घर में क्या चला रहे हैं? कोई पंखा चलता है, लाइट जलती है, बस यही चलती है। एमपी भी गए थे आप? गए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अभी अभी बोला था एक दो दिन में कोई हो जाएगी, सोल्यूशन इसका, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो अभी मिल के आए क्या आप कल? कहाँ पे? अंदर नहीं है, नहीं मिले अभी, देने आए पूछना। यहाँ पे सूचना दे दी? नहीं अभी नहीं दी है। कॉलोनाइजर भानु सिंह सिसोदिया है, इन्हें कॉलोनी काटी थी, भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आरोन सिरोंज रेल मार्ग के लिए आंदोलन जारी रहेगा, बैठक में हुआ निर्णय। गुना आरोन सिरोंज रेल पथ निर्माण संघर्ष समिति आरोन की विगत दिवस एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि गुना भोपाल वाया बजरंगढ़ आरोन सिरोंज बेड़सिया जन प्रस्तावित रेलवे लाइन के संबंध में जो पत्र मध्य प्रदेश शासन परिवहन मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, वह इस आंदोलन की बड़ी सफलता है, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आम जनमानस लंबे समय से एक नई रेलवे लाइन गुना से भोपाल वाया आरोन सिरोंज की मांग करता आ रहा है। इस आशय से गठित आरोन सिरोंज रेल पथ निर्माण संघर्ष समिति द्वारा पिछले वर्षों में हजारों पोस्ट कार्ड व ईमेल रेल मंत्रालय व रेल मंत्री को भेजे थे। आरोन से सिरोंज तक इस मांग को लेकर यात्राएं भी निकाली गई हैं। इस खबर से लोगों में हर्ष व्याप्त है, इसलिए इस दिशा में आवश्यकता अनुसार सकारात्मक कार्यवाही करने के रेल विभाग से काम को शुरू कराने की मांग को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई है। आगामी दिनों में इस आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया है। आज किसको लेकर बैठक की गई है और आपका नाम क्या है? मैं विष्णु प्रसाद दुबे, रिटायर्ड शिक्षक हूँ, और आज जो मीटिंग हुई रेल मार्ग के लिए, उसमें सभी उपस्थित हुए थे और उसमें अपने अपने सुझाव रखे कि इसमें अपने क्या करना चाहिए, आगामी कार्यक्रम में किससे मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब परामर्श हमें एक दूसरे से बैठ कर लिया। और आगामी मीटिंग से 47 रखी है, जैसे गृह मीटिंग होगी उसमें और अन्य विचार रखे जाएंगे। इसमें निश्चय किया गया कि आगे कुछ गांव कुछ शहर जहाँ से रेलमान निकलेगा वहाँ से संपर्क स्थापित किया जाए, और उन लोगों से भी जैसे हम सक्रिय हैं वैसे वे भी अपनी सक्रियता दिखाते हुए इस कार्य को सफलता की ओर ले जाए। ये रेलवे को लेकर जो न्यूज आई है, जो लेटर आया उसको लेकर कैसा लगा है, आपको क्या बोलना चाहिए? इस रेल की न्यूज से मुझे एक विशेष ऊर्जा मिली है और अभी मैं कह सकता हूँ कि गारंटी से रेल निश्चित चलेगी और इसका नाम होगा विकास की रेल, सभी वर्ग की रेल, और इस क्षेत्र का बेहद तरक्की करेगा और सब बेरोजगारी दूर होगी, सबको सुख मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है ना, इससे हर व्यक्ति कोई भी अछूता नहीं रहेगा और सभी को लाभ मिलेगा। और मैं एक बात और भी कहूँगा कि जितनी भी रेल की समिति है और उसमें जो भी सज्जन लोग जुड़े हैं वो सब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, और मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक ये रेल नहीं होगी हम इसी तरह से करेंगे और सब तरफ से हम हमेशा तैयार रहेंगे। आज अखिल भारतीय धाकड़ किरार महासभा के तत्वाधन में भगवान धरणीधर श्री बलराम जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार शहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई,
जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। पूजा अर्चना पश्चात गायत्री मंदिर अम्बेडकर चौराहा से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। इस मौके पर पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी यहां रुककर भगवान श्री बलराम जी की पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा हनुमान चौराहा, हाट रोड, सदर बाजार, जयस्तंभ चौराहा होते हुए मानस भवन पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में जिले भर से धाकड़ किरात समाज के लोग शामिल हुए। डीजे और गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में अश्वरोही आगे आके धर्म पताका लहराते हुए चल रहे थे। पीछे फूलमालाओं से सजे रथ में भगवान श्री बलराम जी का चित्र सजा था, जिसकी जगह जगह पूजा अर्चना और आरती उतारी गई। चलरपान के साथ पुष्पवर्षा कर शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगों का स्वागत हुआ। पटवारियों ने किया हवन यज्ञ। अपनी मांगों को लेकर बीते दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों ने आज तहसील प्रांगण में हवन यज्ञ किया है। इस दौरान सरकार को सद्बुद्धि देने के साथ ही फसलों के लिए अच्छी बारिश की कामना पटवारियों द्वारा की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पटवारी मौजूद रहे और विधि विधान के साथ हवन यज्ञ किया। कार्यक्रम में कई महिला पटवारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पटवारियों के हड़ताल पर रहने से किसानों के कई काम अटक गए हैं। उन्हें यहां से वहां भटकना पड़ रहा है, लेकिन उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि पटवारियों ने हवन यज्ञ कर भगवान से अपने लिए सरकार को सद्बुद्धि और किसानों के लिए बारिश की कामना की है। वे लगातार आंदोलन कर अपनी मांगों के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। वहीं शाम होते होते शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों का भी सम्मान किया। जिसे बताएं आज हड़ताल का कौन सा दिन है और आज क्या आयोजित किया है? आज हमारी आंदोलन का नवा दिन है। नवा दिन में हमने रचनात्मक कार्य किए हैं, जिसमें आज हमने किसानों की खुशहाली के लिए, हमारे किसान अन्नदाता दुखी है, पानी नहीं बरस रहा है, हर तरह त्राही त्राही मची हुई है, उस तारतम्य में हमने भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मेघ यज्ञ आज मंदिर प्रांगण में हमने किया है, जिसमें सभी पटवारियों ने एक एक पटवारी 19,000 पटवारियों की तरफ से एक आहुति दी गई है, जिससे हमारे मेघ देव इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और हमारे किसानों की जो फसल सूख रही है, दुखी है अन्नदाता, वो पानी के देवता इंद्रदेव बारिश कर दे। और आज हमें खुशी है कि आज ये बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही हमारी आहुति पूरी हुई तो आज बारिश शुरू हो गई है। उसी क्रम में हमारे हड़ताल में आज शिक्षक दिवस भी है। हम चूंकि कर्मचारी है और हमारे जो भाग्य विधाता शिक्षक वर्ग है, हम उनका आज सम्मान करने के लिए हमने आज मंच पर हमारे शिक्षकों को सम्मान के लिए एक आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों को, हमारे गुरुओं को हमने सम्मानित किया गया। इसी तारतम्य में हम लगातार आंदोलन का नवे दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। इसके बाद भी मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा हमारी मांगों का आज तक कोई हल नहीं निकाला गया, कोई निराकरण नहीं किया गया। हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमें किसान भाइयों से एक बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि हम उनके इस कार्य में अभी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, मगर जैसे ही हमारी हड़ताल पूरी होगी, हम उनका जो कार्य है कृषि का, वो हम आकर करेंगे, सर्वे करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चांचौड़ा से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका पैंची ने आज कुमराज मंडल के शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें बूथ समिति के सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। सर्वप्रथम प्रियंका पैंची द्वारा ऊपरी शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, तदुपरांत ग्राम में जनसंपर्क प्रारंभ किया। इस क्रम में तुलसीखेड़ा शक्ति केंद्र, बाड़ोद शक्ति केंद्र एवं बरखेड़ा कला शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जनसंपर्क किया। प्रियंका पैंची ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम महत्वपूर्ण कामकाजी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, इसी प्रकार ऐसी बैठकें शक्ति केंद्रों तथा बूथ केंद्रों तक आयोजित होंगी। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में अशोकनगर, गुना और शिवपुरी जिले के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों और परिवारों की हुई बैठक, विभिन्न सिस्टम एवं मिलने वाले लाभ के बारे में दी जानकारी। गुना जिला मुख्यालय पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 5 सितंबर मंगलवार को गुना डिवीजन में अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जिले के भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार और आश्रितों की बैठक हुई। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलने वाली पेंशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्पर्श सिस्टम जनरेट किया गया है, जिसमें सभी के अकाउंट मेंशन किया जा रहा है। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिक, उनके आश्रितों और विधवाओं को गवर्नमेंट द्वारा 8,000 रुपये की राशि दी जाती थी। अब इसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से 2,000 और राज्य शासन द्वारा दिए गए इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही गुना शहर के लीनेश क्लब गुना द्वारा सिटी के पदाधिकारी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया।
और विधवाओं को कपड़े, राशन सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया? भूतपूर्व सैनिकों की, विधवाओं की और उनके आश्रितजनों की हम जिले अनुसार हर 3 महीने में एक बैठक लेते हैं, तो उस बैठक का आज आयोजन किया गया, आज 5 सितंबर को। इसके पहले लीनस क्लब गुना सिटी द्वारा हमें अगस्त महीने में अप्रोच किया गया था कि वो भी भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करना चाहती हैं, तो हमने इस बैठक को उसके साथ कंबाइन किया ताकि दोनों बैठक एक साथ हो सके। हमने जो भूतपूर्व सैनिक, अभी क्या है कि भूतपूर्व सैनिकों की जो पेंशन है पहले CPPC के माध्यम से उनके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स में आती थी, अब एक स्पर्श करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंतर्गत सभी भूतपूर्व सैनिकों की, अफसरों की जो पेंशन है वो PCDA इलाहाबाद, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, PCDA इलाहाबाद से जारी की जाती हैं। सभी के अकाउंट्स धीरे धीरे करके स्पर्श में शिफ्ट माइग्रेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी। प्लस जो वर्ल्ड वॉर टू की जो वेटरन्स हैं उनकी सहायता पहले सरकार की ओर से 6,000 मिलती थी, बीच में उसको 8,000 किया गया, ये मध्य प्रदेश शासन की तरफ से थी। अभी रिसेंटली आदेश आए हैं इसी महीने में, अगस्त में आदेश आए हैं कि सितंबर महीने से जो भूतपूर्व सैनिक वर्ल्ड वॉर टू के जो वेटरन्स हैं उनको 2,000 रुपये राज्य सैनिक बोर्ड से सहायता मिलेगी। इसके बारे में भी जो भूतपूर्व मतलब वर्ल्ड वॉर टू के जो सैनिक आए थे उनकी विधवाएं आई थी उनको बताया गया, तो इस तरह से। इसके बाद फिर जो लीनस क्लब ऑफ गुना सिटी, इन लोगों ने जो जेंट्स थे उनको शर्ट पीस दिए, जो लेडीज थी उनको राशन के पैकेट्स दिए और सभी को मोतियों के मालाएं अर्पण की, और जो जेंट किसी को डायरी, किसी को कैप, तो इसी तरह से सब भूतपूर्व सैनिक और उनके जो आश्रित जन उनके, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक कभी बहुत ओल्ड एज भी है, किसी की 90 ईयर्स की है तो उसका बेटे 50 साल का है, इस तरह से आप उनको समझ लीजिए। कार्यक्रम में कुल कितने लोग शामिल हुए थे? कार्यक्रम में करीब 40 लोग होंगे, 40 से 50 लोग। कितने जिलों से शामिल हुए? अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जिले से, 3 जिलों। ये गुना जिला जो है गुना जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गुना, ये 3 जिलों को लुक आफ्टर करता है, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर। तो 3 जिलों से भूतपूर्व सैनिक आए थे और उनका सम्मान किया गया। ममता मीना ने राखी बंधवाने वाले 50,000 भाइयों ने उठाई ममता मीना की आवाज, कहा लड़ो चुनाव हम तुम्हारे साथ हैं। ममता मीना ने राखी बंधवाने वाले 50,000 भाइयों की मांग पर ममता मीना ने मंच से कर दिया ऐलान, टिकट पर नहीं किया पूरे विचार तो लड़ूंगी चुनाव। जिले के मधुसूदन गढ़ में रक्षाबंधन कार्यक्रम पूर्व चांचौड़ा विधायक ममता मीना द्वारा रखा गया था। वहीं 18 सालों से ममता मीना द्वारा हर साल चांचौड़ा विधानसभा के करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को राखी बांधी जाती है। वहीं मामले में नया मोड़ तब आया जब ममता मीना की आवाज़ राखी बंधवाने वाले 50,000 भाइयों ने उठाई है। आपको बता दें कि 50,000 ममता मीना के भाइयों ने कहा कि ममता मीना चुनाव लड़ो हम तुम्हारे साथ है। प्रियंका मीना को टिकट दिया है जिसको लेकर ममता मीना द्वारा खुलकर विरोध किया जा रहा है। कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना है क्योंकि ममता मीना ने से राखी बंधवाने वाले 50,000 भाई खुलकर ममता मीना के समर्थन में उतर आए हैं, जबकि ममता मीना से राखी बंधवाने वाले भाइयों के निवेदन पर खुले मंच से ममता मीना ने भी कह दिया है कि टिकट पर नहीं हुआ पुनर्विचार तो लड़ूंगी चुनाव। ये सुनकर हजारों की संख्या में लोगों ने तालियां से ममता मीना के अभिवादन किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बहन जी ममता मीना जी 18 साल से प्रत्येक कार्यकर्ता को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी बांधती चली आ रही हैं, जो आज काफी जुड़कर संख्या 50,000 कार्यकर्ता उनकी हाथों में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं बहन जी ममता मीना जी, और सभी का आशीर्वाद हमारी बहन जी के साथ है और उन्हीं के विजयश्री के लिए आज हमारे जल देवता ने बारिश का आह्वान किया है। मैं इसी के शुभकामना के साथ बहन जी के साथ हूँ और सभी कार्यकर्ता बहन जी के साथ लगे हुए हैं। अधिक से अधिक
बहन जी का जितना भी समर्थन होगा बहन जी के साथ काम करेंगे हिल मिल के, और कोई रोष नहीं है। हमारी बहन जी हमारी ताकत है, हमारे साथ है। जय बहन जी, जय ममता मीना। कम से कम 50,000 कार्यकर्ता बहन जी के साथ है। 50,000 कार्यकर्ताओं को बहन जी हर साल राखी बांधती है। ममता मीना जी के साथ है, सभी भाई मिलकर उनका साथ देंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज इतना बड़ा अन्याय हुआ, विश्वास देकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। और मैं चाहती हूँ आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव तो लड़ूंगी मैं, कैसे भी लड़ूं, अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ पुनर्विचार करें हमारे शीर्ष नेता, मुझे दे दे या हमारी पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता को दे दे, और तो मैं तैयार हूँ। और नहीं तो भैया चुनाव लड़ूंगी, आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ मध्य प्रदेश विद्युत सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर शहर में निकाली रैली, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। गुना जिले के विद्युत कंपनी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश विद्युत सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ के बैनर तले 5 सितंबर मंगलवार को शहर में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम गुना कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विद्युत सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ के गुना जिला अध्यक्ष नंदलाल प्रजापति ने बताया कि विद्युत कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, जिस रोज व्याप्त है। इन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के गुना जिले के समस्त विद्युत पेंशनर हमारे 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क उतरे हैं, और हमारी प्रमुख मांगे हैं, इसमें हमारा प्रथम जो मांग है मध्य प्रदेश सरकार से विद्युत कंपनियों से, मध्य प्रदेश विद्युत पेंशनरों के लिए 50,000 करोड़ का फंड जो नियमित आयोग द्वारा आदेश जारी किया गया है, इसका पालन तो मध्य प्रदेश सरकार भी नहीं कर रही, न विद्युत कंपनी कर रही। साथ ही हमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरह मध्य प्रदेश के सभी विद्युत को शासकीय कोषालय से पेंशन फंड का भुगतान किया जाए, निकट भविष्य में जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण शीघ्र किया जाए। नंबर 3, जिस प्रकार लाडली बहनों को मध्य प्रदेश सरकार ने सहयोग डिलीवरी की है, इसी प्रकार हमारे विद्युत पेंशनों को सहयोग डिलीवरी दी की जाए। साथ ही हमारे जो है आउटसोर्स जो कर्मचारी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, उनको संविलियन निकालने की कार्रवाई की जाए। साथ ही हमारे छठे और सातवें का वेतन मान का जो 27 माह वो 32 माह का लंबित एरिया है, इसका भुगतान सीधे सरकार करे, और जो 1/16 से रिवाइज ऑर्डर इश्यू करे, ये हमारी प्रमुख मांग है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि पेंशन ट्रस्ट बनाया जाए, उसके साथ धारा 49 जो है उसको समाप्त किया जाए। उसके कारण हमारा समय समय पर जो महंगाई राहत पेंशनर को दी जाती है उसके लिए अनावश्यक विलंबता होती है, क्योंकि दोनों राज्यों की सहमति में बैठ के लड़ाई में हमारे है ना, हमारे ही नहीं विद्युत कर्मियों को ही नहीं, राज्य शासन के भी पेंशन का भुगतान अटका रहता है। अभी भी वर्तमान में हमारा एरिया लंबित है, और हमारी मांग है कि या तो ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाए या पेंशन ट्रस्ट बनाए। क्या नाम है आपका, क्या सब नाम है आपका? मेरा नाम महेश श्रीवास्तव है और पेंशनर एसोसिएशन का प्रवक्ता हूँ। आबकारी टीम द्वारा दबिश देकर 47 लीटर अवैध मदिरा एवं 460 किलोग्राम महुआ लाहन की गई जब्त। कलेक्टर तरुण राठी के निर्देशानुसार गुना जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं जहरीली शराब के विरुद्ध विशेष अभियान जारी है। इसी क्रम में नरेश कुमार चौबे, उपायुक्त आबकारी विभाग उड़न दस्ता ग्वालियर के निर्देशन में तथा जगन्नाथ कराडे जिला आबकारी अधिकारी गुना के मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना प्राप्त के आधार पर गुना जिले के व्रत गुना 1 के अंतर्गत बीला, बावडी, सिलावटी, नेतलपुर एवं व्रत राघोगढ़ के अंतर्गत ग्राम हुसैनपुर, वीरपुरचक, पनवाडी हाट आदि स्थानों पर दबिश देकर उक्त स्थानों से 47 लीटर अवैध हाथ बट्टी मदिरा एवं 460 किलोग्राम महुआ लहन जब्त कर कुल 7 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34A, A एवं F के तहत कायम किए गए।
उक्त जब्त अवैध मदिरा की कुल अनुमानित कीमत 53,050 रुपए है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक मोहनीश शर्मा एवं अन्य आबकारी स्टाफ की मुख्य भूमिका रही।